मंडी शहर में कोरोना वायरस को रोकने के लिए विशेष सैंपल एकत्रण कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों के निशुल्क टेस्ट किए जा रहे हैं, ताकि कोरोना महामारी का समय से पता चल सके और लोगों को स्वास्थ्य सुविधा समय पर दी जा सके। कोविड संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने और इसमें मृत्यु के खतरे को कम करने में सामुदायिक समर्थन बेहद महत्वपूर्ण है। कोविड से बचाव को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझना और उसे ठीक से निभाना जरूरी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मंडी देवेंद्र शर्मा ने विशेष सैंपल एकत्रण कैंप के शेड्यूल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सैंपल एकत्रण के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई है, जो तय शेड्यूल के मुताबिक सैंपल एकत्रित करेंगी। विशेष सैंपल एकत्रण कैंप के जरिए लोगों को उनके घर द्वार के समीप अपना सैंपल देने की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जा रही है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं, ताकि लोग इन विशेष कैंप में आकर कोरोना टेस्ट करवाएं और समय पर इलाज से किसी भी प्रकार के खतरे को टाला जा सके। स्थिति है उसमें कुल केसेस 8060 है, 8060, जिसमें से 1333 एक्टिव केसेज है और 6627 रोगी जो है वो ठीक हो चुके हैं और 100 हमारे मंडी जिला में अभी तक मौतें हो चुकी है। पिछले कुछ 2-3 महीनों से इसमें थोड़ा अपसर्ज आया था नंबर ऑफ केसेस में। जैसे सितंबर में 1105 केसेस थे, अक्टूबर में 1113 केसेस थे और नवंबर में 3527 केसेस। नवंबर में काफ़ी संख्या में उछाल आया था और दिसंबर में भी शुरू में काफ़ी केसेस आ रहे थे, परंतु 3-4 दिन से थोड़ा डाउन ट्रेंड देखने में आ रहा है। जैसे 1000 के करीब डेली सैंपलिंग हो रही है और जो केसेस का आंकड़ा है वो 110, 115, 130, 135 तक, परंतु पिछले कल 170 केसेस, जो 169 केसेस हो गए थे। तो पिछले कल हमने सोचा कि एक स्पेशल ड्राइव चलाया जाए शनिवार और संडे को, क्योंकि शनिवार को भी जैसे आजकल 5 days वीक है और संडे को छुट्टी होती है, तो कुछ जो सरकारी कर्मचारी हैं या व्यापार मंडल के या जो दूसरे लोग जो अपने काम धंधे में व्यस्त रहते हैं और वीक डेज पे वर्किंग डेज पे सैंपलिंग कराने नहीं आते, उनके लिए प्रशासन के सहयोग से शनिवार और संडे को मंडी, सुंदरनगर और नेर चौक जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर स्पेशल कैंप्स लगाए जा रहे हैं। जैसे मंडी में भी 2 teams, स्पेशल टीम्स बनी हैं नेर चौक में भी और सुंदरनगर में भी। तो मंडी में उसी कड़ी में आज यहाँ पर शेरी मंच पे सुबह के समय में 10 से 1 बजे तक स्पेशल कैंप लगाया था और अभी शाम को बिजली में पटेल में कैंप है और सुबह क्लियर के एरिया में कैंप था, अभी शाम को वो टीम जेल रोड में सैंपल कलेक्शन करेगी। तो हमें उम्मीद है कि जो लोग हॉस्पिटल में अपना सैंपल देने नहीं आ पा रहे थे वो इन कैंप्स का फ़ायदा उठाएंगे और हमारी जो सैंपलिंग की संख्या है उसमें भी इजाफा होगा। इसके साथ ही 12 दिसंबर को मंडी शहर में प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक शेरी मंच खलियार में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप लोगों के सैंपल लिए गए। वहीं 13 दिसंबर को 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पुणे पटल में पुलिस लाइन के पास व जेल रोड में शिव मंदिर के समीप और 2 बजे से 5 बजे तक शेरी मंच व भ्यूली में भीमा काली मंदिर के समीप स्वास्थ्य कर्मी कोरोना जाँच के लिए सैंपल लिए गए। इसके साथ ही नेर चौक में 12 दिसंबर को प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक नागचला में नैना नर्सिंग स्कूल के समीप व सिविल अस्पताल रत्ती में, वहीं दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5 बजे तक बल के डांबा चौक और सिविल अस्पताल रत्ती में सैंपल लिए गए। वहीं 13 दिसंबर को प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक सुंदरनगर की BBMB कॉलोनी में RS मास मंदिर के समीप और अंबेडकर नगर में महुनाग मंदिर के पास और दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सुंदरनगर के संस्कृत कॉलेज परिसर में और चंगर कॉलोनी में आयकर कार्यालय के समीप स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए गए। सबको बताना चाहिए, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, अगर किसी के मन में कोई शंका है तो उससे भी आदमी को लाभ मिल जाती है, टेस्ट जरूर कराना चाहिए, अच्छी स्कीम है, मेरे ख्याल में जैसे की प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है।